बहुत दिनों के बाद आया हूँ, तो स्वागत है आप सभी का। तो आज से शायद 100 वर्ष पहले करीबन 3 नवंबर 2022 को मैंने एक वादा किया था कि इस महल का, जिसका नाम बामन कोठी तिरपन द्वार है, पार्ट 2 लाऊंगा। तो कोठी का मतलब होता है रूम यानी कमरा यानी कक्ष, और द्वार का मतलब तो पता ही होगा। तो जिनको पता है उनके लिए बता देता हूँ, द्वार का मतलब होता है द्वार यानी गेट। तो पूरा पूरी मुद्दा कहने का ये हुआ कि इस महल में 52 कमरे और 53 गेट्स हैं। हाँ, तो पिछली बार इस महल को अंदर से दिखा दिया था, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए पिछले वाले वीडियो के माध्यम से महल के अंदर चलते हैं। तो पिछले वाले वीडियो के माध्यम से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं इस बार भी गया था बामन कोठी तिरपन द्वार अपने भाई आर्यन के साथ, वो भी आधे मन से। तो आर्यन ने तो आधे रास्ते में ही मना कर दिया जाना, तो इसके बिना मैं अकेले ही निकल जाता हूँ। लेकिन पहुँचते ही देखा कि गेट बंद है, तो इस बार बाहर से ही थोड़ा सा व्यू कैप्चर कर लिया मैंने। हाँ, तो अब पिछले वाले वीडियो के माध्यम से ही चलते हैं बामन कोठी देखने। तो पिछली बार तो मैं गया था बाइक से, तो मेरे साथ थे ये भाई संगम और ये भाई लक्की। तो महल के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले बाइक पार्किंग में लगाकर राजमहल का पहले वीडियो लेता हूँ और फिर अंदर जाकर देखते हैं। तो अंदर में हम देखते हैं कि इस महल के कुछ दीवारों को छोटे छोटे ईंटे से बनाया गया है और सीमेंट की जगह पर मिट्टी का उपयोग किया गया है। और लोगों से पता चलता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये महाराजा का मंदिर हुआ करता था। तो अब चलते हैं मंदिर के अंदर जाकर देखते हैं। तो ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर राजा की पुत्री नृत्य यानी डांस सिखा करती थी। हाँ, तो मंदिर के और अंदर जाते हैं तो हमें दिखता है ये चीज। तो ये जो जगह है, इस जगह पर अकेले चक्कर लगाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ लोग तो कर लेते होंगे, लेकिन मैं अकेले नहीं कर पाया क्योंकि अंदर में अंधेरा है और थोड़ा सा डर भी लगता है। हाँ, तो इसके बाद जाते हैं हम लोग महल के छत पर। तो छत पर से ये वाला महल थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन दुख की बात ये है कि इसे अंदर से नहीं देखा कभी। शायद कुछ लोगों ने देखा होगा बट मैंने नहीं देखा। हाँ, तो अब चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर, जिसे कुछ लोग बोलते हैं ये कैदियों का इलाका, यहाँ कैदी को बांधा जाता था, और कुछ लोग बोलते हैं ये भूल भुलैया है। और ऐसा भी कहा गया है कि इस जगह पर कोई चोर महल से कुछ आभूषण और कीमती हीरा चुरा कर भाग रहा था और उसे कहीं भागने का रास्ता नहीं दिखा, तो इस भूल भुलैया के अंदर चला गया और कभी वापस ही नहीं आया। और ऐसा कहा जाता है कि वो आभूषण और कीमती हीरा अब भी इस भूल भुलैया के अंदर है। और कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर भूत पाया जाता है। तो ये भूत वाली बातों को ही सोचते हुए हम लोग जाते हैं अंदर। तो इसके अंदर हमें एक परछाई दिखती है। मुझे नहीं पता वो परछाई भूत की थी या मेरे भाई संगम की। शायद मेरा भाई इस वेंटिलेटर के पास से क्रॉस कर रहा हो और उसकी परछाई नीचे बनी हो, बट मैं लिटरली डर गया था। तो इसके बाद हम लोग महल से बाहर निकलते हैं और शायद ये आदमी यहाँ के केयर टेकर हैं। तो हम लोगों ने इनसे पूछा महल की कहानी बताइए, तो इन्होंने कुछ नहीं बोला और इन्हें देखकर तो और डर लगने लगा। तो उस दिन इतना ही हुआ। तो इस बार मैं महल के बाहर गया था जहाँ पिछली बार जाना भूल गया था, तो सिर्फ वही दिखाने के लिए मैंने कमिंग सून लिखा था। हाँ, तो बात करते हैं इसकी। कहा जाता है कि ये रानी का तालाब है। ऐसा लोगों से कहा जाता है कि यहाँ पर राजा की पुत्री स्नान किया करती थी। तो बस इस ब्लॉग में यहीं तक। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना और यहाँ घूमने जरूर आना। एड्रेस बता देता हूँ, और बिहार में नालंदा जिले के एक गांव अमावा में स्थित बामन कोठी तिरपन द्वार देखने जरूर आए। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा।